I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. What's up guys, स्वागत है आपका आज के मस्त झकाझक व्लॉग में। पूछा मैंने कुछ? काफी टाइम से घर के अंदर वीडियो बना रहा था, आज सोचा कि कुछ बाहर जाके धतिंग करते हैं। मालूम नहीं उसमें कितना मजा आने वाला है और कितना नहीं आने वाला। तो बेसिकली आज मैं जाने वाला हूँ सिमचा एडवेंचर पार्क, जहाँ पे बोटिंग है, पेंटिंग है, एटीवीज है और न जाने क्या क्या। हाँ, वहाँ पे सबसे जो मेन चीज है जो मुझे, जिसके लिए मैं एक्चुअली जा रहा हूँ, वो है ट्रैम्पोलिन। ऐसा बिल्कुल मत समझूंगा कि ट्रैम्पोलिन बोल के, जैसे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, गूगल करने के बाद पता लगा कि वो रबड़ पे कूदने वाली जो एक्टिविटी होती है उसको ट्रैम्पोलिन कहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीजें ना मैंने सिर्फ वीडियोस में देखी है, मूवीज में देखी और लोगों को करते देखा है, खुद कभी नहीं किया। पर अभी हाल फिलहाल में वेट कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड का जो मुझे ज्वाइन करने वाला है, हम दोनों साथ में जाने वाले हैं। अंदर लगा दे बाजी को, तो गीला हो जाएगा ना, इससे चलेंगे ना अपन। हाँ हाँ, अरे तो भाई आ जा। कुछ खाएगा? कुछ नहीं भाई, अभी तो बस भोजन करके आया। कॉफी हो तो पिला दे। कॉफी मुश्किल है, कॉफी देखनी पड़ेगी। कॉफी तो मुझे हाँ भाई, तो अंदर तो सफेद रखे तू माता, ये कॉफी है या चेरी ब्लॉसम भर रखा है? तो ये देखिए हमारे इंदौर के पीले टोपी वाले विंड डीजल गाड़ी चला रहे हैं, सस्ता वाला। तो भाई लोग आज हम जा रहे हैं सिमचा एडवेंचर पार्क। यस, और ये इंदौर में ही है ना भाई? मतलब थोड़ा सा इंदौर में ही है, थोड़ा सा इंदौर के बाहर बोल सकता था। हाँ नहीं, पर आता इंदौर में ही है वो। आता इंदौर में ही है वो, बिल्कुल। मात्र 16 किलोमीटर मात्र। तो मात्र क्यों लगाया? लगाना पड़ता ना भाई, आजकल जो ज्यादा बोलते उसके साथ ही मात्र लगाते ना। जैसे मैं तेरे को चैट पे लिखेगा अभी तो 1 crore ओनली ओनली वैसा है, तो 16 किलोमीटर ओनली। तेरे को जब मैंने फोन पे बोला ना कि तू आ जा यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है, तो मैंने चेक नहीं किया था। अभी जब तूने बोला ना कि मैं एक बस तक आता, फिर तू रस्ते में रह गया, लाइट टाइम लग रहा था, देखो मैं चेक तो करूँ कितनी दूर है, 16 किलोमीटर। अपनी भी लगी चुकी तो इसको भी लगाई दो यहाँ पे। वो बोल रहा है वहाँ से फॉर्म लेना है, वो भरना है। ये वाला फॉर्म है क्या भैया? मतलब मर गए कर गए तो बता, हमारी जिम्मेदारी नहीं। राइडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। डॉक्टर्स डॉक्टर्स भी देखते हैं। 600 एंट्री फीस रहती है, 600 एंट्री फीस रहती है, उसमें 1 time मिल रहता है, अनलिमिटेड। ठीक है, एक्टिविटीज में क्या क्या है? जैसे जोर फुटबॉल हो गई, ओपन गेम्स हो गए, टेबल टेनिस हो गया। और रबड़ के ऊपर कूदने वाला गेम कौन सा? ट्रैम्पोलिन पार्क है। जैसे आउटडोर रहती है, इनडोर रहती है, प्रोमोट कॉम्बो रहता है, बोल राइड्स रहती है, ये सब रहता है उसमें। और सिर्फ ट्रैम्पोलिन लेना है तो ट्रैम्पोलिन के लिए 600 का यहाँ से ले लो। हाँ। ट्रैम्पोलिन का अंदर से होगा 500 उस पर है। ट्रैम्पोलिन में ज्यादा वेट हो गया, जैसे कोई बच्चा चले गया तो इनके पैर वेर और अभी पहले मतलब मूत्र विसर्जन किया जाए। चलो, तो अभी जो हमने टिकट ली है वो कुछ ऐसी पड़ी है, 600 रुपए की हमने एंट्री पासेस लिए। करेक्ट करेक्ट। उसमें कुछ एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, पर जो मेन एक्टिविटीज है वो इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कौन कौन सी थी? वो डैशिंग कार हो गया है, एटीवी हो गया, उसके लिए अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। 600 रुपए हमने वो दिए, जो छोटी बेसिक अंदर रहेगी इंडोर एक्टिविटीज वो इंक्लूडेड है, बट वो जो वो रबड़ पे कूदने वाली जिस एक्टिविटी के लिए मैं आया था उसके लिए 500 रुपए अलग से दिए हमने, और वो भी आपको 40 मिनट के लिए ही मिलेगी। वेलकम टू सिमचा। तो कैसा लग रहा है यश, हमें बताओ कैसा फील कर रहे हो आप? भाई पहली बार आया, इंसान को सब चीज नई नई दिखती है। पंचेस नहीं आ रहे? हाँ, कैमरा चालू इसलिए सब रहे क्या? तेरा गाना बज रहा भाई, डांस चालू कर दे इधर।
चाहे कुछ प्रोडक्शन के लिए ही नहीं ना, यहाँ से चढ़ेगा वो वहाँ से गिरा तो कहाँ जाएगा सोचना। लग ही रहा भाई, लाइट जला दो यार, इतनी कंजूसी मतलब पैसा लेने के बाद भी। जब तक आप ऊपर चढ़ नहीं जाओगे तब तक तो नहीं जलेगी। ओ भाई, एसी वेसी चालू क्या, पंखा चालू, लाइट जल गए। बिल्कुल ध्यान से इत्मीनान से भाई। पानी पानी, थोड़ा सा वार्म अप क्यों, ये तो वार्म अप है हमारा। वो क्या डायलॉग था टाइगर श्रॉफ का, वहाँ वार्म अप है ऐसा थोड़ा उसकी स्टाइल में, जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, मतलब एक्टिंग नहीं आनी चाहिए। छोटी बच्ची हो क्या, ओ हो जहाँ पे खड़ा है जोर से जम लियो। इनिशियली हम लोगों को थोड़ा सा गाइड किया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो बिल्कुल जरूरी है भाई। हम लोग अभी शायद दो या तीन बार कूदे, मतलब बता नहीं सकता, हमारे घुटने दर्द होने चालू हो गए क्योंकि हमारी जो लैंडिंग है वो बिल्कुल मतलब हम लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली कैसे नीचे आना है कूदना है, तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक बार करके बताओ ना कैसे करते हैं एग्जैक्टली, कोई सी भी वाली एक्टिविटी करके बताओ, लैंड कैसे करना है और जंप कैसे करना है प्रॉपर। कोशिश कर रहे भाई, स्ट्रेट ही रख रहे हम, पैर स्ट्रेट रखना जब जंप कर लिया। अच्छा, और ये इधर क्या रेंगते हुए जाना है क्या, ये ब्रो ये वहाँ से भी जंप कर देंगे। हाँ, वो उसको पकड़ के कूदते रहेंगे ना, और इधर यहाँ से जंप लेके और शायद वहाँ ऊपर से भी कूदते, मैम से पूछते हैं। हाँ, चिंता मत कर, फॉर्म पे वैसे साइन हो चुका है। आसान नहीं है, नीचे से ऊपर आना भी वो ज्यादा मेहनत का काम है। इतना आसान कैसे रख लेते हो भैया, बड़ा आराम है निकलना। अरे मैं नीचे आ जाऊंगा अब, जंप करके जाना है भाई, इधर से जंप करने का प्रॉब्लम, जंप करके वहां ना चिपक जाऊंगा। दो मिनट रुक जा, ग्राउंड क्लियरेंस हो जाने पहले। यहाँ से चढ़ना रो पोल से, पोल डांस करके नीचे आना क्या, तो और किससे आएगा। अरे वाह, जैकलिन फर्नांडीज आ गई हमारी नीचे। I hope it's all right with you. Yeah. इसके पहले का मत दिखा। अरे छोड़। देखो क्या बोला था। वाह वाह वाह, मतलब इस जगह तो आप एहसास कराते हो कि हमारे पूर्वज बंदर थे। परफेक्ट, नहीं चनूने चल शिवा। अरे वाह, मैं रनिंग करना हो रहा था, ये चलना नहीं हो पा रहा है, तुम रनिंग की बात कर रहे हो। अरे 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 अरे, ये पीट के बल गिनना सर ये। अरे भाई कब से मुंह के बल ही गिर रहे, क्या बता रहे हो तुम। चल 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 चल, आएगा भाई, वो सही बोला, दो ले एक बार में। अरे
कम ऑन चीवा, पहुंच जाएगा। बस भाई पहुंच गया या आर उल्टा बोल जाने यार या पार। अरे परफेक्ट आज सिंगल पे आई है। It was at this moment that he knew. He. एक की कोशिश कीजिए था, खेत कीजिए रनिंग। ये ले भाई, तेरी मात्र दो किलो की मात्र। ये वॉशरूम है क्या भाई? वो काउंटर है सर। अच्छा ओ सॉरी काउंटर है। अभी भीड़ देख कितनी हो गई काउंटर पे, अपने टाइम थे ही नहीं। डैशिंग कार का पहले इतना शौक था ना, छोटे थे ना अपन, एक्सेल वर्ल्ड का ऐड। हाँ एक्सेल वर्ल्ड, हाँ उसी में ऐड में ही देखे थे, और अपने को लगा नहीं था अपने आसपास कभी ये चीज मिलेगी। Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. एक में हो, एक में हो। अरे जैसा साथ में रहा, अकेले रह के रोड पे गाड़ी तो चलाना है, क्या कर रहा है क्या तुम भी? हाँ हम साथ में ऐसा। बाय यश। कोई बात नहीं, हम तो ये एक्सीलेटर है और ये ब्रेक है, ये पीछे खींचा तो टक्कर गाड़ी से इधर टायर में गया तो चलेगा ना, तो वो डिस्क्वालीफाई। पर जो मेरे को ठोकेगा तो मैं नहीं ना, वो डिस्क्वालीफाई। तेरा तीसरा बचा ना। मैं मिल के लिए किधर है? रेस्टोरेंट की साइड है। ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट साइड। एक थाली से शेयर भी नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid. तो सिमचा का जो आज हमारा ट्रिप था वो हो गया है खत्म। मतलब बड़ा तो एंजॉय नहीं किया, थोड़ा बहुत रह गया क्योंकि बारिश ने सारा मजा बिगाड़ दिया। अभी सीन ऐसा है कि बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि मुझे शिवा को वापस घर छोड़ने जाना है, क्योंकि दिन में इसने ऐसा नहीं सोचा था कि शाम को इतना तेज बारिश होगा। तो वो बरसाती नहीं लाया था, मैंने जुगाड़ भी लगाने की कोशिश की, मेरे फ्रेंड से भी पूछा, पर उसके पास भी नहीं और मेरे पास भी नहीं है। और हमारे लड़के को देख सकते हो, बहुत थक गया बेचारा। जितना हम लोग एक्चुअली सोचे थे कि जितना हम एंजॉय करेंगे, सारी एक्टिविटीज अटेम्प्ट करने का सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट बारिश ने काफी मजा बिगाड़ दिया। बेसिकली जो मेन एक्टिविटीज हम लोग करना चाहते थे, जैसे कि अपना वो क्या था, वो ट्रैम्पोलिन हमको करना था, तो वो हमने कर लिया। गो कार्टिंग भी की, फिर एक दो चीजें और की जो हम शूट नहीं कर पाए। फिर भूख लग रही थी, खाना खाया और इसे वापस घर जाना था, अंधेरा हो गया था, हम लोग वापस आ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब देखो, वीडियो पसंद आया नहीं आया मेरे को नहीं पता, इज्जत में सब्सक्राइब करो तुम्हारे भाई को। अगर आपको लगता है कोई सजेशंस आपके पास है, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए